जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन अब चाहूंगा मिफ्ता इस्माइल साहब, जरा आज के हालात के हवाले से बात करें, क्योंकि कल भी बड़ी खबरें थी। ब्लूमबर्ग की एक खबर थी कि सऊदी अरब ने ये फैसला कर लिया है कि जो $3 अरब उन्होंने दिए हैं वो वापस नहीं लेंगे, वो उसको रिन्यू करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि वबाई जब हालात थे पाकिस्तान में, कोरोना का दौर था, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया। रिकॉर्ड जो फेडरल जो डेफिसिट है बजट का वो सामने आया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर इमरान खान साहब जो दावा कर रहे थे कि मैशत सही समझ जा रही थी वो दुरुस्त नहीं है? पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के क्रेडिट में आती हैं। माजी गुजर गया, हम पाकिस्तान का हाल हैं और हमारे आने वाले बच्चे इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और फिर ये भी खबर थी कि तकरीबन 10 माह तक $100 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी में देंगे, यानी कि $1 अरब पाकिस्तान को मजीद मिलेगा। ये खबर कन्फर्म है, हतमी तौर पर ये सऊदी अरब के साथ वायदा हो चुका है पाकिस्तान का। पहले मैं एक गुजारिश कर दूं आपसे, आप जो बांग्लादेश मॉडल की बात कर रहे हैं, देखें वियतनाम भी आगे बढ़ गया, बांग्लादेश भी आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है, चीन कहाँ से कहाँ निकल गया, कोरिया निकल गया, थाईलैंड निकल गया, सब अपने अपने मॉडल निकाल लेते हैं। हमको पाकिस्तान वालों को मॉडल बनाना थोड़ी मुश्किल है कि हमको थोड़ी लेकिन थोड़ी सी हमको यहाँ पर अब एज अ नेशन फोकस करना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। ये जो शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, मैं इस पर सीरियसली पहले बिलीवर नहीं था, लेकिन मैं हो चुका हूँ अब बिलीवर, कि हमको सबको बैठकर हर स्टेक होल्डर को बैठकर कोई इकोनॉमी का चार्टर बनाना पड़ेगा कि कोई आगे बढ़े। ये हमारे बच्चों के लिए क्यों गुर्बत हमारे बच्चों के नसीब में है, क्यों जहालत हमारे बच्चों के नसीब में, आधे पाकिस्तान के बच्चे 40% स्टंटेड हों, ये शर्म की बात है हम सबके लिए। मैं सच बता रहा हूँ आपके लिए, ये मिफ्ता इस्माइल के लिए शर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बड़ा तमाम जो कहने को बड़ा आसान है। मैं अगर सिर्फ आपको मिसाल दूं, छोड़े आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चले एक दूसरे एक्सट्रीम पर है, वो नहीं आपकी बात सुनते। आप किसी मसलियात के तहत ही किया, जारी बात है, ताकि ताजर सनतकारों के ऊपर बोझ कम हो। फिर बहुत सारे ऐसे कर्जे भी दिए गए सस्ते नरखों पर, ताकि जो है लोग मुलाजमतों से ना निकालें लोगों को, और वबाई कैफियत के अंदर भी कारोबार किसी न किसी तरीके से चलता रहे। लेकिन अगर अब देखें, एक जो डायलेमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो ये है कि बैनुल अक्वामी जो इदारे हैं वो भी गलत रहे हैं। बैनुल अक्वामी इदारे ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में महंगाई आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, डबल डिजिट में तो आ गई है, कहीं ऐसे 20% 25% की बातें हो रही हैं। तो बात यह कि उस महंगाई को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको कम करने के लिए जो माशी साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि साहब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। तो यानी उनका लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन जो मईशत का पहिया आप बता रहे हैं कि सनअत व तिजारत स्लो डाउन हो जाएगी, तो उसके असरात अपनी जगह हैं। तो मिल बैठ के हुकूमत के साथ इस बारे में बात क्यों नहीं कर लेते? बेहतर नहीं रहेगा कि स्टेट बैंक और हुकूमत के साथ ताजिर सनतकार व्हाट्सएप से बाहर निकल के भी बात करें? क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकल रहे, सियासतदान भी नहीं निकल रहे और ताजिर सनतकार भी नहीं निकल रहे। व्हाट्सएप ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। जी देखिए, इस हवाले से जो हुकाम बाला है या जो मुख्तलिफ अहदेदारान हैं उन सबसे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर नेगोशिएशन और मुख्तलिफ लेवल पर डिस्कशन और फीडबैक देते रहते हैं, लेकिन इस वक्त बात यह है कि जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो बज़ाहिर नज़र आता है वो यही है कि IMF के अंदर इतना ज़्यादा फंस चुके हैं। IMF में क्या फंस चुके हैं? देखिए, IMF को तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहता कि कोई भी बाहर का इदारा होगा वो तो ये चाहेगा कि आपकी कंट्री, मिसाल के तौर पर जो बात करें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, आप प्राइवेटाइजेशन पर पीपल्स पार्टी को मना लें, इस पर हो ही नहीं सकेगा, कन्विंस ही नहीं कर सकेंगे। तो ये कहने को तो बड़ा आसान है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बट ट्राई टू स्टार्ट इट ना। बात करें पीपल्स पार्टी से प्राइवेटाइजेशन पे कि हम 600-700 अरब रुपए झोंकते हैं इन कंपनीज में जो मुनाफे बख्श भी नहीं है, लॉस मेकिंग है, लेकिन नहीं कर सकेंगे आप, कोई इसमें नतीजा नहीं निकलेगा। मैं शहजाद भाई यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं सियासत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आजियो में पाकिस्तान के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एज अ नेशन कहीं तो हमको स्टार्ट लेना होगा ना। मतलब सीरियसली, मतलब ये कि 40% पाकिस्तानी बच्चे अगर स्टंटेड हैं तो जो भी हम को कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सही, ये बात तो मानते हैं ना कि जो हम कर रहे हैं अब तक गलत कर रहे हैं, तो अब नई कोई चीज़ करो। ये ज़रूरी नहीं है कि बांग्लादेश का मॉडल अपनाओ या हिंदुस्तान का या चीन का या कोरिया का, कोई नया मॉडल बनाओ, लेकिन आगे तो बढ़ो यार, वहीं खड़े हुए हैं। मतलब अब मुझे, मतलब सीरियसली, अब आप जो अगला आपकी बात है उसका नतीजा ये होता है कि फिर हमको हर दोस्त मुल्क से जो है वो पैसे लेने पड़ते हैं। अब ये बात वो आई है, ब्लूमबर्ग में आई है कि सऊदी अरब ने कुछ दिनों पहले जब उनके
देखिए कामरान, दो चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को आईएमएफ के दरवाजे पे हमेशा लेके जाती हैं। एक जो करंट अकाउंट का खसारा, इनका हदफ था 2.3 अरब डॉलर, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स हैं, कुछ 17 बिलियन डॉलर प्लस का करंट अकाउंट का खसारा पिछले माली साल में हुआ है। और रैकेट तो आप उसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि 19 अरब डॉलर का एक पहले एक डेफिसिट था, पर जो इनका हदफ था 2.3 अरब डॉलर, उसके मुकाबले में अगर आप देखें 17 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा। फिर दूसरा जो फैक्टर होता है कि बजट का खसारा, बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा, ये दो फैक्टर्स पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम में लेके जाते हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक वजीर खजाना गए थे और स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि वो री रोल कर देंगे, और वो री रोल कर देंगे। बाकी इस खबर की कंफर्मेशन जो है वो मैं सऊदियों को करने दूंगा, मैं इस मुनासिब नहीं है कि मैं इस बात को कंफर्म या डिनाई करूँ। किस खबर को, रीलोन करने की या फिर जो ऑयल फैसिलिटी है 1 बिलियन डॉलर की? 1 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी है, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि सऊदी अथॉरिटीज़ जो हैं, सऊदी फाइनेंस वजीर ख़जाना इसको मोहम्मद अल जदान साहब जो हैं वो खुद कंफर्म करें, ये मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। सही, और ये भी खबर भी थी कि यूएई जो है वो 1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा। अब ये ज़रूरी है क्योंकि जो 4 बिलियन डॉलर का गैप था उसके लिए उसमें रिजर्व्स भी हमने अपने बढ़ाने हैं, और आईएमएफ कहता है कि पहले ये पैसे आप श्योरिटीज़ दे लें वहाँ से। तो 1 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है या कोई पाकिस्तान की मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो कंपनीज़ हैं उसमें स्टेक लेने जा रहा है यूएई? नहीं, ये जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो कंपनी है उसमें स्टेक लेने का इन्होंने कम से कम 1 बिलियन का कहा हुआ है। ये स्टॉक मार्केट की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात है। और ये 29 अगस्त को जो आईएमएफ की बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है उससे पहले मटेरियलाइज हो जाएंगे तमाम चीज़ें? नहीं नहीं नहीं, मटेरियलाइज होना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। बोर्ड मीटिंग कमिटमेंट मटीरियल या उनको आईएमएफ जब बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल, उनसे कमिटमेंट मटीरियलाइज है, ये इस साल के अंदर कभी भी हों। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सऊदी अरब का है वो तो ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह अगर होगा तो वो शुरू हो जाएगा अनकरीब। जो यूएई का जो आप बता रहे हैं वो सितंबर अक्टूबर तक इंशाल्लाह, अगर हम उसमें अगेन देखें, G2G का कानून नहीं था हमारे पास, कानून पास किया, अगर वो कानून पास करके आगे बढ़ जाते हैं तो 2 महीनों में ये हो सकता है। सही, इस काबिल हो कि वो लोन को पे बैक कर सके। तो हकीकत ये है कि हमें तो पहले अपना घर सुधारने की जरूरत है। आपको अपना घर सुधारने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज करनी चाहिए। आपको एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है, यस आप इन्फ्लेशन रेट, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सोल्यूशन नहीं है। आपके यहाँ जब इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी, आपके पास टैक्सेशन की आपके रेवेन्यूज में आमदनी बढ़ेगी, आपके जो ओवरऑल आपके इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ जब एक बाइंग पावर बढ़ेगी, लोगों के पास आमदनी होगी, आप ये सोचेंगे अगर आप ग्रोथ रेट को स्लो कर देंगे, इंडस्ट्रीज को आप शट डाउन की तरफ लेके चले जाएंगे, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जा चुकी है शट डाउन पे। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि अब होने जा रहा है, ये हो चुका। बहुत सारी इंडस्ट्री शटडाउन पे जा चुकी है और मजीद इंडस्ट्री अब जाने की बातें हो रही है, मजीद इंडस्ट्री को अब तो रोकने की बातें हो रही है। तो इससे जो मास स्केल के ऊपर बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे जो आप यूँ समझें कि इससे जो लाकानूनियत में इजाफा होगा, तो उसको कौन संभालेगा? उसको किसमें कैपेसिटी है कि उस चीज़ को संभाल सके? और मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक बदनसीबी है। हम बात करते हैं कि हमें ये अगर हो जाता है डील तो हमें 2-3 बिलियन डॉलर यहाँ से मिल जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे दोस्त ममालिक 4-5 बिलियन डॉलर हमें दे देंगे। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि मतलब इतनी 22-25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, वो 1-4 बिलियन डॉलर के लिए इस तरह से अपनी पूरे मुल्क को गिरवी रखवाने के ऊपर तैयार हो गई, ये हमारे लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। हमें कोई बहुत सीरियस इसके ऊपर बैठ के पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं इतनी भी एक्टिविटीज होती है, इसका जो सम होता है, ये दो नंबर आपको बता देते हैं कि आप किधर खड़े हुए हैं। बजट डेफिसिट की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बढ़ने के। हिस्टोरिकली लोगों को पता है कि अगर आपके अखराजात और जो आमदन उसका जो गैप होता है, दैट इज योर बजट डेफिसिट। बट इसके अंदर अगर आप देखें हिस्टोरिकली, खास तौर पर पिछले माली साल में जो पॉलिसीज थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, लेड बाय द देन गवर्नर रजा बाकिर साहब, और फिर जब शौकत तरीन साहब वजीर खजाना बने, उनके वजीर खजाना बनने के बाद जो एक फिस्कल स्टेबिलिटी पॉलिसीज जो अडॉप्ट की थी हफीज शेख साहब ने, उसके बिल्कुल एक उलट में एक दूसरी सिमत में चलना शुरू कर दिया शौकत तरीन साहब ने, और एज अ रिजल्ट हम जहां पे आज खड़े हुए हैं, पाकिस्तान का तारीखी बजट का खसारा हुआ है माली साल 2021-22 में। वफाकी हुकूमत का हदफ था इनका 3,990 अरब रुपए का। हम ऐसी क्या मिसाल बन सकते हैं आने वाले मुस्तकबिल में, और हम ऐसे इंफरादी तौर पर ऐसा क्या फेल करें, ऐसे कौन से काम करें जिससे हम एक पाकिस्तान की खिदमत कर सकें और इसको बेहतर पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें?
देखिए, जो आपने पहला इस सवाल का जो पहला हिस्सा था कि हम कौमी सतह पे, मुल्की सतह पे, एक नेशनल सतह के ऊपर, तो पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अभी अदील बड़ाई साहब भी फरमा रहे थे कि हमारी जियोग्राफिक लोकेशन किस तरह की है, आने वाले दिनों, आने वाले सालों में, आने वाली दहाइयों में जिस तरह दुनिया पॉइज हो रही है, जिसमें चीन और अमेरिका का एक हमें अपकमिंग कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है, जिसके अंदर रूस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अफगानिस्तान अभी तक सेटल नहीं हुआ, जिस तरह भारत की बर्बरियत जिसके अंदर हम देख रहे हैं, जिसमें ईरान के मसाइल अभी सेटल नहीं हुए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुए, जिन्ना ने अपनी जिद के ऊपर एक अलग मुल्क मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया। 1947 में जिन्ना ने कराची में एक भाषण के दौरान कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को भी बराबर का हक मिलेगा, लेकिन 3 साल बाद जिन्ना का सपना टूट गया और पाकिस्तान मजहब के नाम पर बिखर गया। हिंदुओं को मारा जाने लगा और पाकिस्तान बुरी तरह से तबाह होता चला गया। भारत अपनी दिशा और दशा चेंज कर तरक्की की राह पर निकल गया। 75 साल पूरे हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है। पाकिस्तान जहां भीख का कटोरा लेकर दुनिया में रहम के पैसों की भीख मांग रहा है, जबकि भारत रोज़ नई नई बुलंदियों की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे पाकिस्तानियों को भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।